अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल टोटा। मैं इदरीस फलाही आज आपके सामने वाकई एक ऐसे इंसान के साथ मिलाने जा रहा हूँ जो हमारे समाज के लिए वाकईतन मोटिवेशनल पर्सनालिटी का दर्जा रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अर्पना जी, जिन्होंने जी टीवी के साथ भी काम किया है एज़ अ प्रोड्यूसर, और उसके बाद आज तक के साथ भी इन्होंने काम किया है। पहले तो हम इनको स्वागत करते हैं अपने शोम चैनल टोटा में। जी शुक्रिया आपका, और आपके जितने भी ऑडियंस हैं उनको मेरा नमस्कार आदाब। हेलो जी, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका सफ़र यहाँ डोडा से, चूँकि ये एक माना जाता है पिछड़ा इलाका हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट, और फिर कैसे जो है आप यहाँ से जी टीवी तक पहुँचे थे, थोड़ा एक्सपीरियंस हम शेयर करें आपसे। जी जी ज़रूर। यहाँ पे मेरी, यहीं पे मैं पैदा हुई जो डोडा ज़िला का शिवा गांव है जहाँ पे मैं अभी हूँ यहाँ पे, और पाँचवीं तक की मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी मैंने यहीं के गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद उधमपुर और जम्मू से मेरी ग्रेजुएशन हुई, और मैंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में मास्टर्स किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई जहाँ पे इंटर्नशिप और बाकी कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया, और उसके बाद लोकसभा टीवी के साथ भी कुछ प्रोग्राम्स किए, और उसके बाद जी न्यूज़ और आज तक में मैंने काम किया। और फिलहाल इन सब चीज़ों के बाद, और साथ में मैं एक एनजीओ भी चला रही थी 2013 से, एक साहस करके एनजीओ है जो मैंने रजिस्टर्ड करा दिल्ली में ही, और इसका वर्किंग एरिया ऑल ओवर इंडिया रखा, और वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ एजुकेशन पे हम एनसीआर रीजन में काम कर रहे थे, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, रैक पिकर्स के जो बच्चे हैं उनके साथ काम कर रहे थे, और साथ में कुछ और बस्तियों के साथ और लोगों के साथ, ऐसे तबकों के साथ जो पिछड़े हैं, जो जिनको समाज में उतना सब चीज़ें नहीं मिली हैं, और जो उतने इकोनॉमिकली वेल नहीं है, महिलाओं के साथ हमने काम किया। और फिर ये सब काम करते करते मुझे ये लगा कि अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहिए हमें। अब नौकरी हम कर रहे हैं तो ठीक है, बट अब गाँव के लिए कुछ किया जाना चाहिए, तो मैंने फैसला लिया कि मैं वापस आती हूँ गाँव में वापस। जब आप जी टीवी में थे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक नेशनल प्लेटफॉर्म आपको मिला, वहाँ पर आप पहुँचे, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये क्या कोई अप्रोच थी, या आप अपने तालीमी बेस पर वहाँ तक पहुँचे थे? जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल तालीम के बेस पे ही वहाँ पहुँची। बकायदा जैसे इंटर्नशिप होती हैं, हम लोग फ्री में भी इंटर्नशिप करते हैं, जैसे मेहनत, जैसे कुछ चीज़ होती है ना, जैसे हम न्यूज़ चैनल में काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ ग्लैमर है या कुछ, सिर्फ आना है कैमरे पर दिखना है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपकी, आप अच्छा लिखते हैं,
आप अच्छा बोल पाते हैं, आप अच्छा सोच पाते हैं, आप मुद्दों पे सोच पाते हैं, तो आप तभी एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं आपकी। और मैंने बकायदा टेस्ट दिए उसके लिए कि आपका जो वहाँ के जो एंट्रेंस होते हैं, जो आप जॉब्स निकलती हैं, तो फिर उसमें काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, इंटरव्यू होता है, तो वो क्लियर करने के बाद ही मुझे वो जितनी भी जहाँ भी मैं गई हूँ तो उस आधार पर ही नौकरियाँ मिली। देखिए, इतनी मेहनत के बावजूद, चूँकि आपको भी पता है कि किस तरीके से वहाँ के लिए लोग तरसते हैं कि हमें वहाँ के लिए जॉब ऑफ़र हो जाए, किस तरीके से हम वहाँ पे एडजस्ट हो जाएं, चूँकि आपको ये मौका मिला था, फिर क्या वजह रही कि आप उस चीज़ को छोड़ करके फिर अपने गांव वापस लौटे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब थी, ठीक सैलरी में जाती थी, और क्योंकि आज तक मैं थी, मैं एक अच्छी कंपनी में थी, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मुझे मिल रही थी। लेकिन उसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक NGO भी चलाती थी और वो सेल्फ फंडेड थी, मतलब मैं अपनी सैलरी से, और मेरे कुछ दोस्त थे जो उसमें मदद कर रहे थे, तो वो चल रहा था, तो मुझे ज़मीन पे जो लोग हैं, जो उनके जो असली मसले हैं, उनको समझने का मौका मिला अपने NGO के काम के ज़रिए। तो फिर मुझे ये लगा कि काफ़ी सारे मसाइल हैं, काफ़ी सारे हमारे देश में, हमारे हमारी हमारे राज्य में, हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे मसले हैं, तो इनका इनके ऊपर हम कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, हमें हमें रियलिटी में, ग्राउंड में कुछ काम करना चाहिए। और ग्राउंड में मुझे काम करना था, कहीं ना कहीं से तो करना था, तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह मुझे अपने गाँव ही लगा, क्योंकि यहाँ पर कई बुनियादी मसले हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। और अगर हर कोई ये चाहे कि मुझे शहर में जाके ही बसना है, सब ये चाहें कि शहर में जाके बसना है, तो फिर गांव का क्या होगा? गांव तो खाली हो जाएंगे, गांव में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। और हो ही ये रहा है कि गांव शहरों में इतनी भीड़ हो गई है कि पॉल्यूशन हो जाता है, रहने लायक जगहें नहीं बची हैं वो, और गाँव इस तरह के हो गए हैं कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती, क्योंकि सब लोग शहर ही जाना चाहते हैं। तो अब अपने ये जो एक डिसेंट्रलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, जो गांधी जी ने भी कहा था कि हर एक चीज़ का एक एक ऐसा ना हो कि सेंटर में ही सब चीज़ें हों, पूरे देश में सब चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, पूरे देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे देश में सब फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो उसी आधार पर, क्योंकि हमारे गाँव में एजुकेशन को लेकर उतनी बेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं है डोर स्टेप पर, तो मैंने तय किया कि अपने गाँव में ही कुछ बेस्ट फैसिलिटीज़ पर काम किया जाए। और देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपका वापस आ जाना गाँव, और ये कहीं ना कहीं आपके जहन में ये प्रेमचंद जैसा वो दिख रहा है, मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग कम मिलते हैं हमारे माशरे में, और ख़ास करके इस डिजिटल इंडिया में, या हम कहें कि सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं इस पे जितने लोग आजकल बिज़ी हैं, तो फिर इतना सब छोड़ छाड़ के आप फिर अपने गाँव के लिए, आपके आप यहाँ के लोगों के लिए सोच रहे हैं, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? किताबों से, या उस चैनल पे जाकर के, या कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री है? बिल्कुल सही आपने पूछा है। जैसे आपने नाम लिया प्रेमचंद का, तो हाँ, मैं किताबें पढ़ती हूँ, और मुझे वहीं से अहमियत पता चली कि किताबें पढ़ने की अहमियत क्या होती है। तभी हमने सबसे पहले गाँव में लाइब्रेरी ही स्टार्ट करी, क्योंकि यही किताबें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, यही हमें इंसान बना सकती हैं, क्योंकि हम चाहे जो भी बन जाएं, हम कोई बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, बड़े पत्रकार हो जाएं, बड़े पैसे वाले हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो सब कुछ बेमानी है। ये मुझे किताबों ने ही सिखाया, और मतलब गांधी को मैंने पढ़ा, और ऐसे से ज्योतिबा फुले को पढ़ा मैंने, और प्रेमचंद की भी, कई सारे ज़मीनी लोग जो लिखते थे, जो ज़मीन से जो लिखते थे, जो इंसानी भावनाओं को जो सही से समझते थे, तो किताबों ने भी काफ़ी मुझे मदद की कि मैं ये समझ सकूँ कि दूसरे लोग किस तरह से महसूस करते हैं, मतलब सेंसिटिविटी जिसे कहेंगे, तो किताबों ने भी काफ़ी हद तक उसमें मुझे मदद करी। तो इसीलिए सबसे पहले हमने गांव में किताब घर खोला है, ताकि बच्चे भी उस तरह से सेंसिटाइज हो सकें, उतने सेंसिटिव हो सकें, और बेहतर इंसान के रूप में बड़े हो सकें। आप बताइए, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी जॉब का, जब आप कर रहे थे TV चैनल्स में जॉब, ये कब का वक्फ़ा है, कब से और कब तक आप वहाँ पर रहे? मैंने 2010 से काम करना शुरू किया, और उससे पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मास्टर्स कर रही थी, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम करती थी एज कैजुअल अनाउंसर, और फिर वो मैंने स्टूडेंट लाइफ से ही काम करना शुरू कर दिया, और उसी वक्त से ही मैंने अपने लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, कुछ लिखना, ये सब काम शुरू करे, क्योंकि जैसे जो हमारे जो जितने भी उस्ताद थे, उन्होंने भी हमें ये बेहतर बताया था कि आप ये मत समझिए कि कुछ तड़क भड़क वाली दुनिया है, कि जो ग्लैमर है, कुछ चंद लोग होते हैं जो रिपोर्टर होते हैं, जो एंकर्स होते हैं,
पर अगर आपको एक यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, रियल में जर्नलिज्म करना है, तो आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा, सोचना होगा, आपको मुद्दों पर अपनी राय रखनी होगी आपको, और सबसे ज़रूरी है कि आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, कि आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे इसकी साइड होना है, मुझे उसकी साइड होना है। तो पत्रकार जैसे कहते हैं कि वो किसी का सगा नहीं होता, वो सिर्फ सच का सगा होता है, तो आपको सच के साथ रहना है। और देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हमारा शिवम चैनल डोडा इस तरीके से यहाँ पे अभी कर रहे है काम डोडा में। काफ़ी एतबार से हमारी भी ये कोशिश है कि लोगों के जो ढके छुपे दबे मसाइल हैं उनको उजागर करने की कोशिश की जाए और सच के साथ रहा जाए और न्यूट्रल रहा जाए, हमारी भी ये कोशिश है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमारे डोडा में इस वक्त कई तरीके के पत्रकार सामने आए हैं, काफ़ी बहसें भी होती हैं लोगों के बीच में उनसे, और कहीं ना कहीं एक बार तो ये यहाँ तक भी कहा गया कि डोडा इज़ द, हम बोलेंगे, लैंड ऑफ जर्नलिज्म, मतलब यानी वो एक तंज था हमारे डोडा के लिए। तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ डोडा के जितने भी इस वक्त पत्रकार हैं उनको क्या पैगाम देना है, देना चाहते हैं हम हमारे शुभ चैनल डोडा से? जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले जो बुनियादी उसूल हैं जो जर्नलिज्म के पत्रकारिता के, वो बिल्कुल ना छोड़ें। आप कोई भी खबर लें तो उसको उसकी तस्दीक करें, कि जब तक आपको सभी पहलू उसके पता नहीं चलते, सभी पक्ष पता नहीं चलते, तो आप किसी के हाथ का खिलौना मत बनिए। आप अपने बकायदा आप अपने सोर्स के आधार पर ही खबर चलाएं। आपका सोर्स कहता है, आपकी जानकारी कहती है कि खबर सच है, और फिर आपने तमाम जो उससे जुड़े जितने भी लोग हैं आपने उनसे तस्दीक की है, आपने उनके बयानात लिए हैं, आपने उनके इंटरव्यू लिए हैं, तभी खबर चलाएं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा। लोग आपको देखते हैं, आपकी कई बातों पर भरोसा करते हैं, इसलिए सच और सही जानकारी उठाना, पहुंचाना उन तक, और बुनियादी जो मसले हैं उन तक, उनको सही जानकारी से, जो जिस तरह से जो लोगों की राय है सच्ची राय है, और फिर उसके बाद जो प्रशासन का क्या रुख है, तो सब चीज़ें लेते हुए आप करें। बाकी सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आपको ऑल दी बेस्ट, और बेहतर है कि ये, मतलब मेरी ये उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम और ऊँचा होगा। आप बताइए, जहाँ तक ताल्लुक है जर्नलिज्म में, ब्लैकमेलिंग होती है या किसी का पक्ष कभी कभी लिया जाता है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिनको उमूमन आवाम किसी न किसी पार्टी के साथ लगा देती है कि इनको ये बिके हुए हैं, पेड एंकर्स, पेड जर्नलिस्ट्स, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस ये कहना चाहेंगे कि अगर लंबी देर तक टिकना है तो वही टिक सकता है जो ईमानदारी के साथ चलेगा। अगर पार्ट टाइम का है कि अभी ये किया अभी वो किया, तो फिर आप खुद सोच लीजिए, लंबी वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। कि कहते ना कि झूठ की उम्र जो है वो लंबी नहीं होती है, तो उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आप अच्छा काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, तो आप ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे, इतना आप यकीन करिए, और आप ईमानदारी से और अच्छी नीयत से काम करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें छूट गई तो फिर पेशा रहेगा ही नहीं। तो बिल्कुल, ये मैं तो कहूँगा इट्स रियली रियली नाइस जॉब जो आपने किया आज तक, जिस तरीके से आपने चैनल पे, आप एक नेशनल चैनल पे पहुँचे, वहाँ पे प्रोड्यूसर का काम किया आपने, और फिर वहाँ से आप इतना मोटिवेट हो गए कि आप ग्राउंड पे आ रहे हैं। और अब मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप अपने इलाके में आए, आपने यहाँ की समस्याएँ देखी, उसके बाद आपने यहाँ के लोगों के हवाले से, यहाँ इलाके के हवाले से क्या काम करने की कोशिश की है? दरअसल यहाँ पे हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आप भी ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, तो आप भी जानकारी रखते होंगे। जैसे ये शिवा है, और शिवा पंचायत है, उसके बाद श्रेरना पंचायत है, और ये पूरा पूरा जो बेल्ट है इस चिनाब के इस पार का, तो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पर क्या है कि आपकी सड़क, सबसे पहले शिवा के लिए सड़क आना शुरू हो गई थी, और खस्ता हालत देखिए अभी की, बहुत बुरा हालत है कि ज़रा सा पानी पड़ गया तो वहाँ पे आपका चलना मुश्किल हो जाता है। परसों ही मैं किसी से बात कर रही थी, मतलब गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं यहाँ पे, कि सड़क इतनी गंदी हो रही है कि बस झटके लग जाते हैं, तो यहाँ पे आना मुश्किल हो रहा है, और ज़रा सा भी मौसम ख़राब हो गया तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ है, अब जो है बर्फ़ पड़ने वाली है, अब मौसम ख़राब होने वाला है, सड़क की हालत तो ये रही, हम कोई यहाँ पे इमरजेंसी किसी को पड़ जाएगी तो वो कैसे डोडा पहुँचेगा? तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि हमारे गांव में ही बेहतरीन जो हेल्थ की सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती।
अब लोगों को हर बात के लिए हमको डोडा पे डिपेंड हो। अब जो हम जो है इतना इतना वक्त बीत चुका है, इतनी सरकारें आई और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। यहाँ पे पानी का ये हाल है। पानी का क्या कि हमारे बुजुर्गों ने कुछ 7-8 7-6-7 चश्मे कहे थे कि इस गांव को आएंगे वही चश्मे से आता है ना, वहाँ का कोई क्लीनलीनेस। आप ऊपर जाके देखेंगे ना, एकदम गंदगी वाला पानी हमारे गांव में आता है। वो भी इतना कम पानी आता है कि कभी आया कभी नहीं आया, बरसात हुई तो आ गया थोड़ा सा पानी, वो भी इस तरह का होगा कि बरसात होगी तो मिट्टी वाला पानी आ जाएगा, तब पी नहीं पाएंगे, 2-3 दिन बाद उसको पानी को ले पाएंगे। बरसात नहीं होगी तो सारा सूख जाएगा, आपकी कुछ नहीं बचेंगे, आपकी आपकी फसलें खराब हो चुकी हैं, आपकी इस बार कोई फल नहीं हुआ है, सिर्फ अखरोट थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी एक सेब नहीं लगा, एक नाशपाती नहीं लगा। किसानों का बुरा हाल है, मक्की जो है खेतों में कुछ नहीं लगा, आप किसानों से बात कर सकते, इतनी इतनी खस्ता हालत है यहाँ की। और उसके बाद पानी बिजली की, तो मैं बात पानी की बात करूँ, बिजली अब इस वक्त में जब कहते हैं कि आपको भाई 24 घंटे बिजली दी जाएगी, इस तरह के बयानात होते हैं नेशनल टेलीविजन पे। अब मैं यहाँ पर जब से हूँ तो मैं खुद ही देख रही हूँ कि आप खुद भी देखते होंगे यहाँ पे क्या होता है कि कभी पूरे दिन बिजली नहीं होती है, अगले दिन दिन भर बिजली नहीं आएगी। तो अब ये किस तरह के हालात में हम आज के ज़माने में रह रहे हैं। उसके बाद आपकी आपकी बैंकिंग सर्विसेज कि गांव की बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, गांव के जो मनरेगा के मजदूर हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको 1000-1000 रुपये मिलता है बुज़ुर्गों को, अब 1000 रुपये लेने के लिए वो जाएंगे डोडा, अब बेचारे अकेले तो जा नहीं सकते, वो अब इतने बुजुर्ग हैं और उनके जाए बिना पेंशन मिलेगी नहीं, जाएंगे तो किसी को साथ लेके जाएंगे, अब 1000 रुपये पेंशन है, डोडा का खर्चा, फिर कुछ खाना पीना हो जाए तो सोचिए क्या उसका फ़ायदा क्या हो रहा है गांव वालों को, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि भाई इतना बड़ा इलाका है, आप एक बैंक की ब्रांच खोल दीजिए, आप यहाँ पे ATM लगा लीजिए। पर हमारे बुज़ुर्ग जो है सालों से इस बात को लेकर लगे हुए हैं, यहाँ पे अफसर आए, DC आए, जो है बैंक के अफसर आए, उन्होंने मुआई नहीं करे, लेकिन हमारे हाथ बाद में पता चलता सब गायब हो गए। और मैंने खुद कोशिश की, मैंने भी जो है जोनल हेड है जम्मू कश्मीर बैंक का, जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे जाके एप्लीकेशन वहाँ पे दी उनको अपने, क्योंकि मैं NGO पे चलाती हूँ, कि चलो मैं कहता तब कोरोना था बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा हम लोग जा नहीं सकते थे, तो गांव के कुछ लोगों के दस्तखत लेके वो दी। उसके बाद उनने क्या कहा कि आप इसको रखिए हम देख लेंगे, अब एप्लीकेशन का क्या हुआ पता नहीं। और सिर्फ ये एक एप्लीकेशन नहीं, हमारे गाँव के जितने भी लोग हैं वो 10 साल से लगातार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब क्या मसला है, लोग बोलते हैं हाँ करेंगे 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 और कोई करता नहीं है, और हुकूमतें आती हैं, नुमाइंदे आते हैं, और किसी नुमाइंदे ने हमारे लिए क्या किया, कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा भरोसा टूट जाता है, लेकिन फिर भी हमें सोचते हैं कि चलो अब ये रास्ता यही है कि हमें नुमाइंदे, अपने नुमाइंदे जो होंगे उनके ज़रिए मिलना है, हमें एक सिस्टम है सरकार का उसके ज़रिए मिलना है, तो चलो कुछ किसी ना दिन कुछ ना कुछ हो जाए। पर अभी तक तो बहुत नाउम्मीदी ही मिली है, अभी तक तो उम्मीद ये करते हैं कि चलो आगे कुछ ना कुछ हो, कि आप हमारे मसाइल को उठाएं, हमारे जो मुद्दे हैं उनको उठाए जाए, और कम से कम ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हम कोई लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, हम ये बेसिक ज़रूरतें कह रहे हैं कि भाई गाँव के जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, वो सफ़र कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनकी सुनिए, आप प्लीज़ सुनिए सुनिए कि ये कुछ चीज़ें, आप पानी की समस्या हल कर दीजिए, हमें कोई हेल्थ की अच्छी सुविधाएं दीजिए, हमें बैंक की सुविधाएं दीजिए, हमें हमारी सड़क ठीक कर दीजिए, क्योंकि शिवा जो है ना इस इलाके का सबसे बड़ा गांव है, आसपास 18 गांव और हैं, और साथ में शरेरना पंचायत भी है, तो इन सब पूरे इतनी बड़ी बेल्ट का यही हाल है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, अब ये रोज़ाना की चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो बताइए फिर क्या, कहाँ जाए हम लोग, कौन हमारी सुनवाई करेगा। तो अब हम आपके ज़रिए ही अपील करते हैं कि कम से कम आप प्लीज़ जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सुनवाई करिए, और गांव ये बेसिक से मुद्दे हैं गांव वाले के, तो इन पर काम होना चाहिए। देखिए अपना जी, जहाँ तक ताल्लुक है आपके यहाँ आने का, गांव में अपने हिसाब से सर्विस देने का, अपने गांव के लोगों का, सुनने में यहाँ के इलाके के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि आपने यहाँ पे एक स्कूल खोला है, साथ ही साथ एक लाइब्रेरी भी, जहाँ पे इस वक्त नाजरीन हम बैठे हुए हैं, ये लाइब्रेरी है जो कि अर्पना जी ने अपने ज़ाती तौर पर यहाँ पे खोले। आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ से बच्चे इस वक्त यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके लिए कुछ छोटी मोटी किताबें भी अवेलेबल हैं, जिनसे बच्चे स्टोरीज़ की बुकें हैं, बाकी चीज़ें हैं, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं जो है पढ़ने का मौका मिले। हम इसे ये जानने की कोशिश करेंगे अर्पना जी से, जो ये लाइब्रेरी है इसमें किन लोगों को ये अलाउ करती हैं, और साथ ही साथ जो इनका स्कूल है उसमें किन बच्चों को ये आम तौर से दाखिला देती हैं, और फिर स्टाफ के हवाले से हम बात करेंगे कि स्टाफ के हवाले से यहाँ पे ये क्या खुद अकेले संभालती हैं या इनके साथ और भी कुछ लोग काम करते हैं। तो अर्पना जी बताइए, जो आपका स्कूल है यहाँ पे जो आपने खोला हुआ है, इसमें किन बच्चों की एडमिशन होती है? मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी हाल में ही आई हूँ,
और अभी फिलहाल लाइब्रेरी है हमारी, हमारे पास जो फुल फ्लैज चीज़ है वो लाइब्रेरी है, और बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास। वो इसलिए पढ़ने आ रहे थे पहले क्योंकि जैसे कोरोना है, और कोरोना में बच्चों की जो ऑनलाइन एजुकेशन थी, तो उससे आप खुद बेहतर समझ सकते हैं कि मोबाइल पे पढ़ना, किसी के पास मोबाइल है किसी के पास नहीं है, और बच्चे मोबाइल पे कितना टिक सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं वो नहीं। इसलिए कम्युनिटी लेवल पे यही था हमारा, मैं अपने दोस्तों को भी यही कह रही थी कि कम्युनिटी लेवल पे हम ये करें कि जो अपने गांव के अपने इलाके के जो लोग हैं उनके साथ ही हम बच्चों के साथ थोड़ा सा काम करें, ताकि बच्चे थोड़ा सा ईज आउट हों, ताकि साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है उनके घरों में रहने के, तो वो कम हो। और उसके बाद इसलिए बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि वो कहीं स्कूल नहीं जा रहे, तो स्कूल फॉर्मली हमारा स्कूल उस तरह से नहीं है। हम बच्चों के साथ काम करते हैं, छोटे बच्चों के साथ, कोई भी हो, फिलहाल 5वीं तक के सभी लड़के और लड़कियां चाहे जो भी हो, और उसके ऊपर सिर्फ लड़कियों के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास खुद उतनी फोर्स नहीं है, खुद उतना ना उतना पैसा है ना उतना मैन फोर्स है, इसलिए अभी हमने सिर्फ बड़ी लड़कियों के साथ, छोटे 5वीं तक के सभी बच्चे और बड़ी लड़कियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं या और भी स्कूलों में पढ़ती हैं उनके साथ हम काम करते हैं, और अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, मतलब एजुकेशन, ड्रामा, लैंग्वेज, मतलब और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह के इश्यूज़ पे हम बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, ताकि वो उनमें कॉन्फिडेंस हो और वो खुद को बेहतर अच्छे से तालीम हासिल करें और बेहतर खुद को प्रेजेंट कर सकें उनको जहाँ भी अपनी बात रखनी हो। तो देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है आपके स्कूल का या लाइब्रेरी का, इसमें आप अपने ज़ाती मफादात के लिए बच्चों से फ़ीस वगैरह का क्या उसमें प्रोसीजर? नहीं नहीं, फ़ीस का भी कुछ भी नहीं है, ऐसा फ़ीस का नहीं चीज़ें हमने रखी हैं। हमारा ये है कि हमारी एक सहयोगी एनजीओ है, क्योंकि मैंने तो जॉब छोड़ दी है और मेरे पास कोई ऐसा सेविंग भी नहीं है, और हम कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी नहीं लेते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि चाहे हम ज़्यादा बड़ा काम ना करें लेकिन वो काम नेक हो, वो काम प्योर हो, कि उसका काम ये ना हो कि हम करप्शन पैसे खाते रहें और ये ऐसे करते रहें, क्योंकि एनजीओस बदनाम भी है इस चीज़ के लिए कि आप कमाते हैं वगैरह, तो इसलिए हम ये बिल्कुल भी इनकम का सोर्स नहीं है। इनकम के सोर्स के लिए जैसे मैं कुछ और काम भी करती हूँ, मैं फ्रीलांस करती हूँ वो ताकि मेरा खर्चा चल जाए। इसमें पहले तो एक हमारी सहयोगी एनजीओ है डॉटर ऑफ मून करके, वो दिल्ली में ही उनका हेड ऑफिस है, शान रिजवी के हेड हैं, तो उन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाने में हमको हेल्प की है, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, जो अलग अलग जॉब, ये वो लोग हैं जो मतलब ज़्यादा कोई इतने कोई मिलियनेयर लोग नहीं हैं, पर जो अच्छा काम करना चाहते हैं और जो जानते हैं, जिनको भरोसा है कि वो मेरी जितनी भी हेल्प करेंगे और उनका जो भी मनी होगी तो मैं उसको अच्छी जगह पे लगाऊंगी, तो इसलिए हमारे पास चाहे थोड़ा सा भी है तो हम उसी तरह से चीज़ें करते हैं। और अभी कुछ एक दो सहयोगियाँ हैं हमारे साथ जो गाँव की औरतें हैं, हम ये प्रेफर करते हैं कि गाँव की औरतों को ही, जैसे ये बीना है, बीना हमारे साथ हैं, ये छोटे बच्चों को संभालने में मदद करती हैं हमारे साथ, और बड़ी बच्चों के लिए भी एक और बड़ी लड़कियां हैं वो हमारी सहायता करती हैं, तो ताकि गाँव की लड़कियों का औरतों का भी एम्पावरमेंट हो, क्योंकि औरतों के लिए भी काम करना ज़रूरी है। मैं पहले जब दिल्ली में थी तब मैं सैनिटरी पैड और मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर भी औरतों के साथ भी ज़्यादा काम करती थी, तो वो काम भी कर रही थी, तो यहाँ पे इस तरह से हमारी चीज़ें चल रही हैं। अर्पणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अर्पणा जी, जिन्होंने नेशनल चैनल्स के साथ काम किया एज अ प्रोड्यूसर, उसके बाद ये काफ़ी एतबार से मोटिवेटेड हुई अपने गांव के इलाकों के जो मसाइल हैं उन हवाले से, और इन्होंने अपनी जॉब को तर्क कर दिया, कुर्बान कर दिया सिर्फ अपने गाँव के लोगों के लिए, अपने मिट्टी के लिए। नाज़रीन, बताया तो बहुत जाता है कि लोगों के लिए जियो, और हमने आज तक काफ़ी बयानात में ये सुना कि लोगों के लिए जियो, अपने लिए नहीं जियो, तो आज तक सुना था, आज हमने आपको लाइव ऐसा इंसान दिखाया जो वाकयातन अपने ज़ात को थोड़ा हट करके लोगों के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों की हमारे माशरे को ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को हमें उछालने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, और इनसे हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत है, और अपने आप को ऐसा बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पणा जी, और सलाम करते हैं हम आपके जज्बे को, जिस तरीके से वो प्रेमचंद के अफसानों में पढ़ा जाता था, आज हकीकत में हमारे सामने इस तरीके के इंसान मिलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया, ऐसी मोटिवेटेड स्टोरीज आप तक दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।